हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग विद फरजाना। आज बनाएंगे टेस्टी और सिंपल से बनता सो अरवी का खट्टा। इसे तुम्हें चावल नहीं तो रोटी के साथ सर्व कर सकते। इसके वास्ते कुकर में एक स्पून तेल गरम कर ले को, आधा स्पून जीरा, आधा स्पून राया डालना। फ्लेम को सिम के ऊपर रख ले को है मैं। अब इसके अंदर दो कटे सूखे लाल मिर्च, जरे करी पत्ते, अभी पाव स्पून हींग, ऐसा पटीटा डालना। एक मिनट के वास्ते लो फ्लेम के ऊपर ये पूरे टेम्परिंग को तल लेने के बाद इसके अंदर बारीक कट कर ले सो आधा कप प्याज डालना। अभी दो हरी मिर्च, फ्लेम को मीडियम के ऊपर रख ले को। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने देने के बाद एक स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालना। फिर को एक मिनट अदरक लहसुन पेस्ट को भी तल लेना। अब छोटे पीसेस में कट करे सो तीन पाव कप टमाटे भी डाल लेना। फ्लेम को सिम के ऊपर रख ले को, कवर कर को टमाटे नरम गले तक पका लेना। इसके अंदर एक कप उबाले सो अरबी मई है। मीडियम फ्लेम के ऊपर तीन विजिल आए तक अरबी को उबाले को, छिलका निकालूँ। ऐसा अरबी एक मिनट तलने के बाद एक स्पून नमक, आधा स्पून लाल मिर्च पाउडर, पाव स्पून हल्दी पाउडर डालना। दो मिनट के वास्ते फिर को लो फ्लेम के ऊपर पूरे मसाले के साथ अरबी को पकने देना। 50 ग्राम अमली को मैं भिगा को रखी हूँ। एक ग्लास पानी में इसका रस डालती हूँ। अब कवर कर को एक विजिल मीडियम फ्लेम के ऊपर आए तक पका लेना। एक कदा तुम्हें अरबी उबाले निसर का पकाए तो 4 से 5 विजिल रख ले सकते। अब फिर को एक बार फ्लेम को ऑन कर ले को, उबाल आने देना। उसके बाद 3 पाव ग्लास पानी, नहीं तो कितना गाढ़ा होना कि खट्टा उतना गाढ़ा आए तक पानी डाल लेना। आधा स्पून गरम मसाला पाउडर, अभी 2 स्पून सूखा खोपरे का पाउडर डालती हूँ मैं। ये ऑप्शनल, खोपरे का पाउडर डालने से खट्टे में थिकनेस आता मतलब गाढ़ापन। और 5 मिनट के वास्ते इसे उबाल आने के बाद जरे कोथिमीर डाल ले तो बन गया हमारा मेरी टेस्टी अरबी का खट्टा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लीव योर वैल्यूबल कॉमेंट्स। बाय।